क्लास आगे मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। पहले इन घटकों का आपको पता होना चाहिए, वो होते हैं हृदय, धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं, रुधिर, लसिका। ठीक है, अब इनके आपने कार्य भी बताने हैं। तो हृदय जो होता है वो आपको पता है, वो ब्लड को पंप करता है और निरंतर शरीर को रुधिर का परिसंचरण करता रहता है। और जो धमनियाँ होती हैं ये मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय के सभी भागों को रक्त पहुँचाती हैं। शिराएँ जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो रुधिर को शरीर के सभी भागों से हृदय में पहुँचाती हैं। और कोशिकाएँ या कैपिलरीज बोला जाता है जो अत्यधिक पतली और संकीर्ण वाहिकाएँ, मतलब पतली पतली होती हैं, जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, मतलब इन धमनियों को शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। ब्लड